पपीते की खेती को लेकर जिला उद्यान विभाग प्रयत्नशील है और किसानों को जागरूक कर रही है। इस बार जिले में भी होगी पपीते की खेती। नमस्कार, टाइम फैक्ट्स न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ पूनम पांडे। रोहतास जिला में पपीता की खेती तथा उसके संवर्धन को लेकर जिला उद्यान विभाग प्रयत्नशील है, जिसके तहत रोहतास जिला में 10 हेक्टेयर भूमि में इस बार पपीता का खेती किए जाने की तैयारी की गई है, जिसके तहत 50% सब्सिडी के साथ किसानों को पपीते के पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल जिले में 25,000 नए पौधे लगवाने के लक्ष्य पर उद्यान विभाग काम कर रही है। 90,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के लागत में 45,000 की सब्सिडी दी जा रही है। उद्यान विभाग किसानों के खेत तक पपीता के पौधे पहुंचा रही है, वहीं उसके रख रखाव को लेकर भी किसानों को सहायता उपलब्ध करा रही है। उद्यान विभाग के सहायक निदेशक अभय कुमार मंडल ने बताया कि इसके लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो आइए देखते हैं पूरी खबरें विस्तार से। पूरे जिले में लगवाया जा रहा है पपीता का जो योजना है, ये हम लोग NHM के तहत और CMHM के तहत देते हैं, जिसमें कि रोहतास जिले को 10 हेक्टेयर का अब टारगेट प्राप्त है, जिसमें कि कुल 25,000 पौधे लगवाना है। किसान को इसमें 50% सब्सिडी, 90,000 प्रति हेक्टेयर इसका लागत आता है, जिसका 50% 45,000 हम लोग देते हैं अनुदान के रूप में। और अनुदान जाती है दो तरीके से, एक तो हम लोग उसको अनुदानित दर पर किसान को पपीता का पौधा दे देते हैं, जो कि 6.50 रुपया का कीमत है, और जो बाकी है वो हम लोग सेकेंड ईयर में उनको भुगतान कर देते हैं। और अभी तक हम लोग इस ज़िले में करीबन 25,000 पौधा वितरित कर चुके हैं, और इस वित्त वर्ष का 2021 का हम लोग कुल जो है वितरण किए हैं 12,000 पौधा किए हैं, और जो पौधा है ये हम लोग फरवरी में, क्योंकि अब समय लेट हो गया है, तो हम लोग फरवरी में इसका वितरण।